जैसलमेर शहर के हनुमान चौराहे के पास स्थित गांधी दर्शन के आगे लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रतिमा को खंडित करने वाले का नाम डॉक्टर अशोक मेहता बताया गया है, जिसे पुलिस ने प्रतिमा खंडित करने के आरोप में हिरासत में लिया है। प्रतिमा को खंडित करने के बाद आरोपित प्रतिमा के आगे प्रतिमा खंडित करने वाले लोहे के हथियार को लेकर खड़ा फोटो भी वायरल कर रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित मौके पर ही प्रतिमा के पास खड़ा मिला और प्रतिमा के विरुद्ध कुछ बड़बड़ा रहा था। इस दौरान मौके पर भीड़ भी खड़ी थी। पुलिस ने आरोपित को पकड़कर हिरासत में लिया और अपने साथ शहर कोतवाली ले गई। राष्ट्रपिता की प्रतिमा को खंडित होने के बाद प्रतिमा को सफेद कपड़े से ढक दिया गया। जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 3:30 बजे के बाद की है, जब एक व्यक्ति यहां लोहे का धारदार हथियार लेकर प्रतिमा के पास आया और प्रतिमा को गौर से देखते हुए प्रतिमा पर चढ़ गया और चेहरे पर चश्मे के पास वार कर प्रतिमा को खंडित कर दिया। डॉक्टर अशोक मेघवाल, डॉक्टर अशोक मेघवाल MBBS, यही नौकरी कर गया हूँ। जोधपुर से MBBS किया 33 साल पहले। अभी माता काटना है, जो जो अमित शाह को अपमान कर उनका माता काट दूंगा। जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे रोका और फिर पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले किया।